मीको, जो अपने वजूद से बेखबर एक आम जिंदगी जी रहा है, एक दिन उसे अपने बारे में एक रहस्यमय चीज पता चलती है कि वो आधा इंसान और आधा लोमड़ है। जल्द ही अपने वजूद की तलाश करता हुआ मीको का सामना एक रहस्यमयी और जादुई राक्षसी लोमड़ी से होता है, जिसने उसके माता पिता को जुदा कर उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। उसी राक्षसी लोमड़ी ने इलाके में मौत का तांडव मचा रखा है। मीको का मकसद है अपने वजूद को ढूंढने के साथ ही अपने शहर को उस राक्षसी लोमड़ी से बचाना। पर उसे क्या पता और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बड़े भाई रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, रहने दो। ये लो, ये गरम है, खा लो इसे। थोड़ा आराम कर लो ना। लो, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? तो तुमने भी तो नहीं खाया। ठीक है, शुरू करो। खा। काफी अच्छा है। अरे ठीक से खाओ, तुम्हारे मुंह पे लगा है। खाओ। कौन हो तुम? देखो, हमसे डरो मत। तुम वही नन्ही लोमड़ी हो ना जिसके बारे में हमें उस मोटे बंदर ने बताया था? डरने की जरूरत नहीं है। ए, मेरी बहन को घूरना बंद करो, देखना कहीं कोई जादू ना हो जाए तुम पर। भाई कैसे तू कर रहे हो? एक तो ये पहले से ही डरा हुआ है, ऊपर से आप और डरा रहे हो इसे। डरने की कोई बात नहीं है, तुम भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हो। तुम्हारे जैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद तुम अपनी पहचान से बेखबर हो। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारी कमर पे कोई निशान है? पर तुम्हें कैसे पता? ये ताबीज मेरे गुरु ने मुझे दी थी। वो छाप कोई ताबीज नहीं है। जब तुम्हारे गुरु ने ही तुम्हें गोद लिया तो उन्हें ये पता चला कि तुम एक लोमड़ी हो। तुम्हारे गुरु ने ही तुम्हारी जादू शक्तियाँ बांध दी, इसलिए मैंने तुम्हें एक छाप दी। ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, जैसे कि तुम्हारे हाथ पे कुछ लिखा है, तुम इस आश्रम में कैसे आए, यहाँ पर तुम्हारी परवरिश किस तरह से हुई, हमें सब पता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो वो निशान मिटा के देख लो खुद। ये निशान नहीं मिट सकता। नहीं, ये क्या मैं उड़ भी सकता हूँ? नहीं।
अभी तक उठा नहीं है। लगता है सदमा लग गया बेचारे को। ये अभी तक उठा नहीं। उठ जाओ। घबराओ मत, तुम्हें लोमड़ी होने की आदत नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। देखो ये हमारा घर है, हमने खास तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है। मैं कहाँ पर हूँ, मुझे वापस जाना है। अब देर हो चुकी है, तुम्हें मेरे साथ ही पीनी पड़ेगी। आज रात तुम यही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, यहाँ तुम्हें परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, नहीं। गुरुजी मुझे ढूंढ रहे होंगे। अरे अरे काफी रात हो चुकी है, इतनी देर कहां थे? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी दरअसल मैं आज दो राक्षसी लोमड़ी से मिला, मेरे निशान को उन्होंने मिटा दिया, फिर मेरी पूंछ उगाई और मैं हवा में उड़ने लग गया। गुरुजी मैं कौन हूं बताइए मुझे कि मैं कौन हूं, क्या मैं सचमुच लोमड़ी हूं? अब वक्त आ चुका है, तुम्हें अपनी असलियत पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें अपने हाथ पे लिखे हुए शब्द याद हैं? डोंगजिंग के वैंग का बेटा। डोंगजिंग के वैंग तुम्हारे असली पिता हैं। उन्हें एक राक्षसी लोमड़ी से प्यार हो गया और तुम पैदा हुए, इसीलिए तुम आधे इंसान आधे लोमड़ी हो, और अब तुम अपनी असलियत जानते हो। इंसान रहना है या लोमड़ी, फैसला तुम्हें ही करना है। तुम यहां पर क्यों आए? तुम्हें ले जाने। मैं नहीं जाऊंगा। बड़े भाई, उसे छोड़ दो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, उसे कुछ मत करना। मुझे वापस जाना है। पहलवान बल्लू, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ जा रहे हैं। हुँ,
कुछ नहीं हुआ, इतना मत घबराओ। सुनो, गड़बड़ हो गई। पर वो, चलो अब इसका गुरु यहाँ पर आ गया है। गुरुजी कहाँ गए थे? मैं यहाँ उस राक्षसी लोमड़ी से निपटने आया था। अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो। गुरुजी, वहां उन पहाड़ों के चारों ओर राक्षसी लोमड़ी की आत्माएं अक्सर लोगों का खून करती रहती हैं, इसलिए गांव वाले डरे और घबराए रहते हैं। तुम बहुत धर्म के अनुयायी हो, अगर उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना हुआ तो तुम अलग कैसे हुए? ध्यान रखो, अगर चित्त एकाग्र ना हो तो साधना व्यर्थ हो जाती है। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा फैसला। तुम यहां हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों का खेल खत्म। सांग्यो, तुम यहां क्यों आए हो? इनको नरक भेजने। बड़े भाई, ये हैवान है, अगर मरे नहीं तो और लोगों को मारेंगे। सांग्यो, तुम जाओ यहां से, इन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों की सजा सिर्फ एक है, वो है मौत। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अब तुमने किसी को चोट पहुंचाई तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ गए?
ऐसे नहीं, थोड़ा सा और जोर लगाना चाहिए आगे की तरफ। हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। तुम दोनों सचमुच बहुत होनहार छात्र हो, युद्ध कला में निपुण। मैं प्रभावित हूँ तुमसे। ये हमारी खुशनसीबी है। जरा वेंग जी की आंखें देखना, ये यहाँ के नहीं लगते। बिल्कुल, मैं डोंजिंग से आया हूँ, अभी बीजिंग जा रहा हूँ विज्ञान की परीक्षा देने। डोंजिंग में क्या आप किसी वेंग नाम के इंसान को जानते हैं गुरुजी? कोई वेंग? जरा अच्छे से बताओ क्या कहना चाहते हो। ये देखिए, डोंजिंग के वेंग का बेटा क्या तुम? गुरुजी जरा इसे भी देखिए, ये तो, ये निशानी मैंने बहुत पहले एक लड़की को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? वो लड़की अभी तक जिंदा है, बताओ मुझे। जब से होश में आया हूं मैं इसी आश्रम में रह रहा हूं, गुरुजी ने मेरी परवरिश की है, बचपन से ये ताबीज मेरे गले में है। क्या तुम सचमुच उस लड़की के बेटे हो? गुरुजी खुश रहो। प्रणाम गुरुजी, डोंगजिंग के वैंग मेरे पिताजी हैं। सांग्यो, रसोई खाने में तुम्हारी जरूरत है, जाओ मदद करो। जो आज्ञा गुरुजी। गुरुजी, ये बच्चा यहां पर क्यों है? 20 साल पहले मैं अपने कक्ष में ध्यान कर रहा था, अचानक मैंने दरवाजे पे खटखटाहट सुनी। मैं दरवाजे पे आया तो देखा कि वहां एक बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने गौर किया तो पाया कि वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो आधा इंसान और आधा लोमर था। लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षा में असफल होने के बाद उस दिन मैं सिनेक के साथ घर गया, वसंत भवन से होते हुए। मजा आ रहा है ना, देखो जरा। सिनेक, तुम वापस आ गए? हाँ आ गया। जाओ तुम अपने काम पे लग जाओ। ठीक है। ए, चलो आओ सुंदरियों, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ कहा तुमने? अचानक तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? हुस्न चीज ही ऐसी है, अभी तो बस शुरुआत है। उड़ा लो मजाक, कोई बात नहीं। भाई, वो लड़की जो अभी गई तुम जानते हो वो कौन है? उस लड़की के बारे में पूछ रहे हो? वो लड़की तो यहाँ यही काम करती है, वैसे पूछ क्यों रहे हो? ये देखो ये बच्चा बेचारा। उठिए ना, उठिए ना, बहुत ये क्या हो गया आपको? उठिए ना। सिनेक, तुम यहीं के बाशिंदे हो, अक्सर इधर आते जाते रहते हो। उठिए ना।
मुझे पता नहीं है कि लड़कियों से मेलजोल कैसे करते हैं। तो तुम लड़कियों के साथ मेलजोल करना चाहते हो? इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे तुम्हें। ये लो पैसे। कोशिश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए। कल मैंने एक लड़की देखी, परियों से खूबसूरत थी वो। उसने मुझ पर जादू कर दिया, तो मैंने अपने दोस्त से उससे मुलाकात कराने को कहा। आपका जो ये सभ्य स्वभाव है वो आपकी बातों में भी साफ साफ झलक रहा है। इधर बैठ जाइए। वो लड़की मुस्कुराई, शायद उसने भी महसूस किया। लगता है उसके लिए ही मैं इम्तिहान में फेल हुआ। इम्तिहान में नाकामी हो या लड़की की चाहत, मैं यहाँ पर सारे गम भुला देती हूँ। क्या हुआ, उठ क्यों गए? मैं आपको अच्छी नहीं लगी क्या? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई हूँ। अगली बार से आप चाहे तो मुझे कहीं और भी लेकर जा सकते हैं, अपनी किसी खास जगह पर। ये वसंत भवन और ये मुलाकात, मैंने शायद कुछ अलग ही सोच लिया था। उस लड़की के लिए मैं भी शायद कोई ग्राहक ही हूँ। कुछ मजबूरियां हैं, हम दिल नहीं लगा सकते। हमारा काम है लोगों को खुश रखना, लोगों के लिए हम बस खिलौने हैं। किस्मत ने हमको यही सजा दी है। ये जिंदगी हमने नहीं चुनी, ना ही पसंद है हमें। लेकिन अगर चाहे तो भी हम यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। पर खुशकिस्मती से आप जैसे लोग मिल जाते हैं जो आजादी का एहसास करा जाते हैं। खुशकिस्मत मैं हूँ जो तुमसे मिला। मैं तुमसे बात करना चाहता था। शायद मैं तुम्हें यहाँ से ले जा नहीं सकता, पर ये भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ हमेशा रहो। अगर तुम्हारी चाहत सच्ची है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चाहे दुखी क्यों ना झेलना पड़े। मुझे सब मंजूर है। देखो, तुम्हारे साथ होना मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है। ये मेरा खानदानी ताबीज है, मैं तुम्हें देता हूं, इसे मेरा वादा समझो, और मैं अपने वादे को पूरी तरह निभाऊंगा। मुझे यकीन है। और उस रात हम बहुत भागे। पहुंच गए। Thank you.
हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। ये क्या चीज है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बीवी की बहन हूं। मिलके खुशी हुई। काफी खूबसूरत लगते हो बहन, तो खुशकिस्मत निकली। क्या कर रही हो? जाने दो हमें। जाने दो तुम्हें? तुम्हें शायद पता नहीं, जब माँ को पता चला कि तुम भाग गई हो तो वो कितना गुस्सा हुई। वो तुम्हें जल्दी ढूंढ लेगी, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वांग, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आखिर ये सब क्या है? वांग, मैं एक जादुई लोमड़ी थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है वांग। देखो, तुम घबराओ मत। लोगों को नुकसान पहुंचाना मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मैं वो सब छोड़कर चली आई। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीन करो मेरा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। मैं भी। जल्दी चलो। मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए माँ, हमें जाने दीजिए। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें एक इंसान के साथ जाने दूंगी? माँ देखिए, मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए माँ। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। प्यार तो तुमने कर लिया, अब जुदाई का एहसास भी लो। जोली, उसके बाद मेरी हालत बहुत बुरी तरह बिगड़ गई। जोली! उसकी कोई खबर नहीं मिली। जोली! ईश्वर सबका भला करे। बेटा, तुम्हें तुम्हारे असली पिता मिल गए, अब तुम इनके साथ जा रहे हो। इनसे अच्छे गुण सीखना और इसे पूरी दुनिया में फैलाना। बाहर की दुनिया बहुत अलग है। जी गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सांग्यो, अपना ख्याल रखना। बड़े भाई, अब यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, और गुरुजी के साथ साथ आश्रम का भी ध्यान रखना। हाँ बेटा, चलो चले।
वही हो ना जिसे उस लोमड़ी से प्यार हो गया था। तुम कौन हो? तुम्हारी किताबों को पढ़ने वाले जिसके सपने देखते हैं, मैं वही लड़की हूँ और नाम है मेरा यास्मिन। मिको! पापा आप पीछे हटिए। रुक जा, कहाँ भागी? बेटा रुक। सुनो, कौन हो तुम? तुम यहां पर क्यों आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? बेटा थोड़ा संभल के बेटा। हाँ, मुझे दिखा नहीं। सुनिए, आप अंदर जाकर आराम कीजिए, मैं जरा टहल के आता हूँ। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। जनाब आप अंदर जा सकते हैं। शुक्रिया, आपका स्वागत है। गोगो भाई। हा? तुम? अरे वोंग, काफी वक्त के बाद मिले भाई। कैसे हो भाई? आओ अंदर चले। हाँ आ जाओ। लो भाई चाय पियो। शुक्रिया। जहां तक मुझे याद है पिछली बार हम 20 साल पहले मिले थे। कितनी अजीब बात है ना, वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ सही कहा, समय का खेल है। हाँ, इम्तिहान तो पास कर लिया होगा तुमने, काफी समय हो गया ना। हाँ, कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं? असल में बीमारी से उभरने में मुझे कई साल लग गए, किसी से भी बात नहीं होती थी। अच्छा हाँ, वो लड़की वाली बात, 16 साल पहले मेरा प्रश्न पत्र परीक्षक के भतीजे से बदल दिया गया था। भाई सीने गुस्सा हो गया और परीक्षा कक्ष में ही वो शोर मचाने लग गया, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई। उसके बाद जब परीक्षक का भतीजा दफ्तर संभालने लगा तो उसने फिर से कार्रवाई की। मेरा भाई सालों से जेल में ही है। आजकल परीक्षक का भतीजा अब खुद वहां का परीक्षक बन चुका है, और वो छात्र जो सिनेक के हक के लिए लड़ना चाहते थे उन सबको जानबूझ के फेल कर दिया, और जिसने उसका विरोध करने की जरूरत की वो सबके सब आज जेल के अंदर है। दुख की बात है, ऐसी नौबत आ गई। अगर तुम इस वक्त वहां चलो तो तुम देखना भाई, सिने के इंसाफ के लिए मैं लड़ूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी भाई। आइए उठिए, चलिए।
बेटा अब तुम जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। परीक्षा खत्म हो गई। ये फूल तुम्हारे लिए। मेरा नाम है मीको, आप कुछ कहेंगी? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरा मकसद कुछ और है, इन राक्षसी लोमड़ियों को उखाड़ फेंकना। कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ इंसान बुरे भी होते हैं, और वैसे ही लोमड़िया भी होती है, अच्छी और बुरी दोनों। सभी को एक जैसा समझना अच्छी बात नहीं है। इन लोमड़ियों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, मैं अच्छे से जानती हूँ ये कैसे होती है। मुझे माफ करिए, आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है इस वक्त। सुनिए, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। सुनो, सुनिए तो, आपने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। क्वीनी। क्वीनी। पापा, क्या हुआ? सामान बांधो, वापस चलो। पापा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, परीक्षा का ऐसा परिणाम? मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है, वहां परीक्षा कक्ष में मुझे कुछ गड़बड़ लगा। आज मैंने एक लड़के को पैसों के बदले प्रश्न पत्र लेते देखा। पहले नकल कराना आम बात थी, लेकिन आजकल ये सब खुलेआम होता है। मैंने सोचा भी नहीं था, अगर ऐसे ही ये सब चलता रहा तो फिर क्या फायदा? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो?
मत मारो। तुम नहीं बचोगे। मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया, लेकिन जिनको तुमने मारा है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने किसी को नहीं मारा। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पे। सिर्फ एक शर्त पर, अपने गुनाहों का कबूल नामा लिख कर दो। जिन बच्चों की जिंदगियां तुमने बर्बाद की है उनसे माफी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। ठीक है, मैं करूंगा। बेटा। हाँ पापा। अब तुम तैयार हो जाओ, चलो वापस चलना है। हाँ ठीक है। माफ कीजिए, देखा नहीं। सिनेक तुम वो भाई वो तुम हो। आओ अंदर चलो। भाई तुम ठीक हो ना? इससे मिलो, मेरा बेटा मीको। भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं उस लड़की से मिला और ये हमारा बेटा है। क्या तुम्हारे हाथ पे वो 6 शब्द लिखे हुए? ठीक है। सिनेक, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? भाई पाऊ वो लड़की भी जिंदा है, मैं सच कह रहा हूं। जब उसे वो लोग उठाकर ले गए थे, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। उसने मुझे बच्चे को तुम्हें देने के लिए कहा था, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने बच्चे को एक आश्रम में छोड़ दिया। मैंने दोबारा बच्चे को तुम तक पहुंचाना चाहा, लेकिन क्या पता था कि मैं फिर से जेल चला जाऊंगा। अब मेरी माँ कहाँ है? वो अब वसंत भवन में कैद है। ये लोमड़ियों का ठिकाना है, आज हम इसे तबाह कर देंगे। आ गए तुम लोग। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। अरे भागो। मेरी माँ कहाँ पर है? Thank you.
असली मर्द औरत को नहीं मारते। ये ताबीज तुम्हारे पास, तुम मीको हो? हाँ, पर आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ? हाँ, आप मेरी माँ हैं। माँ, इन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है। माँ, पीछे हटिए। माँ, बेटा, मेरा अब ठीक तो है ना? माँ गड़बड़ हो गई, चूली का बेटा उसे छुड़ा कर ले गया। उसका बेटा कहाँ से आया? जब जूली को आप वापस लाई थी तब वो वांग के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो सिनेक नाम के आदमी ने उसे चुरा लिया और कहीं गुम हो गया। हमने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। क्या बकवास है ये? उन्होंने भवन में तोड़फोड़ मचा रखी है, वो लोगों को मार रहे हैं। ये तुम्हारी माँ है? हाँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो, ये क्या कर रही हो तुम? ये एक राक्षसी लोमड़ी है। पर ये मेरी माँ है। तो तुम भी एक लोमड़ी हो। झूठ बोलकर मेरा इस्तेमाल किया? ऐसा नहीं है। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे कह नहीं पाया क्योंकि मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। सुनो, तो अब चले? जी चलिए। माँ, 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 यो, ओ, यो, ओ, ओ, बेटा। जल्दी जाओ यहाँ से। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक को तो रुकना पड़ेगा ना। आइए, संभल कर अपना ख्याल रखना। बेचारी बच्ची तो गई। दोबारा सामने मत आना। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। पापा, पापा, मैं माँ को ले आया। जूली, गुरुजी, वांग, गुरुजी, मैं माँ को बचा लाया, लेकिन क्वीनी वहाँ पर उस राक्षसी लोमड़ी से अब भी लड़ाई कर रही है। मुझे वापस जाना होगा उसे बचाने के लिए, वो अभी खतरे में है। बेटा,
पहले मेरे साथ आओ। वांग झोली झोली उठिए ना, ये क्या हो गया आपको, उठिए ना। उठ जाइए ना। तुम अपने साथ ये दैत्यनाशी तलवार ले जाओ, उनसे मुकाबले में ये तुम्हारे काम आए। शुक्रिया गुरुजी। मां मैं अभी आता हूं। अगर तुम्हें वो वहां नहीं मिली तो शहर से 8 मील दूर एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे उनका गुफा है, ठीक है? हाँ। लेकिन तुम्हें सावधानी से काम लेना होगा और अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं। बेटा, बेटा बेटा अपना ख्याल रखना। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? बदला ले रहा हूं। इस टाइन ने मेरे बाप को मारा। बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है। आप हट जाइए। चलो छोड़ो 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 मुझे। ठीक तो हो ना?
उसे बचाना चाहते हो? अपनी माँ को वापस ला। बेटा, बेटा, बेटा उठो। सालों में मैं कभी भी अपना वादा नहीं निभा पाई, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ आप। जल्दी बाहर आ जाओ। बेटा तुम उठ गए? क्वीनी खतरे में, मुझे उसे बचाना होगा। कुछ बोलो मत, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, हमें जल्दी निकलना होगा। बीच में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। बहुत लोगों को मार लिया तुमने, अब तुम्हारा ये मौत का खेल मैं खत्म करूंगा। फिर तो तुम्हारी मौत पक्की। टकलू महाराज, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। सांगियो, इस चुड़ैल ने मेरे पापा को मारा। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारा इल्जाम गलत है। तुम मुझे अच्छे से याद हो, मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरे पापा को मारा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ भी मर गई। आज मैं सबका बदला लूंगा। लेकिन ये मेरी माँ है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं।
आज से पहले मैं कभी अपनी अपनी मां से मिल नहीं पाया था। आज मुझे मेरी मां मिली है, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और मेरा क्या, मेरे पापा का क्या और मेरी मां का क्या? क्या तुमने कभी मुझे अपना माना भी? अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझे मार दो, जान से मार दो मुझे। नहीं बेटा, हट जाइए। ऐसा मत करो। सांगियो, तुम्हें क्या लगा तुम बच के चली जाओगी? माँ, पापा को लेकर जाइए। नहीं, ये राक्षसी डायन है, तुम जाओ यहाँ से, मेरी बात मानो। ये राक्षसी लोमड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है। बेटा, तुम्हें क्वीनी को बचाना है, मैं इससे निपटती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, मैंने कहा। तुम जल्दी आना, जल्दी चलो। आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं अंदर जाता हूं। मैं भी अंदर चलूंगा, पर अंदर खतरा हो सकता है, साथ में जाना ठीक नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। और वैसे भी हमारे पापा लड़ना नहीं जानते। बेटा, सावधानी से जाना। तुमने सोचा भी कैसे यहाँ से किसी को ले जाना आसान होगा? ये मौत की गुफा है, यहाँ से हमारी मर्जी के बिना कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, तुम्हारी माँ ने हम सबको धोखा दिया, लेकिन अगर तुम चाहो सब कुछ ठीक हो सकता है। बकवास बंद करो। तो तैयार हो जाओ अब मरने के लिए, समझे? तुम बच नहीं सकते। Thank you.
बेटा बेटा तुम उठ गए? पापा पर हुआ क्या है? बेटा तुम थके से और नींद में लग रहे हो। बेटा देखो इसे, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बेटा दिख रहा है कि तुम नींद में हो, तुम्हारी काबिलियत कौन नहीं जानता, और वैसे भी ये तो बस एक चित्रकला है। मेरी काबिलियत? मैंने देखा बेटा तुम इम्तिहान के लिए कड़ी तैयारी कर रहे हो। इम्तिहान की तैयारी? मैं कौन सी तैयारी कर रहा हूँ? अरे बस करो, अब बात करना बंद करो, कल ही तो तुम्हारी शादी है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो हमें जाना है अब, चलो। पर कहाँ? जल्दी करो जल्दी, चलो बेटा जल्दी जाओ ना। मुझे माफ कीजिए, सुनो गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नफरत की खाई बहुत ही गहरी होती है, अनंतहीन। गुरुजी, मीको अभी भी अंदर है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, आप उसकी हिफाजत कीजिए गुरुजी। विनी तुम? आखिर हम दोनों आज मिल ही गए। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं मैं।
क्वीनी, क्वीनी तुम ठीक हो? बेटा चलो यहां से, ठीक हो? जल्दी सब यहाँ आ ही गए हैं तो सबको जन्नत एक साथ नसीब होगी। गुरुजी, 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 यार, यार Thank you.
राक्षसी लोमड़ियों की मां के साथ आखिरी लड़ाई के बाद मीको की पूंछ पूरी तरह गायब हो गई। मीको एक आम इंसान बन गया। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि अपने माता पिता की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सके। भाइयों, तलाश लो इसकी। हाँ सरदार। चलो चलो क्या दिखाओ सरदार। ये गरीब है, कुछ भी नहीं है इसके पास। गरीब है तो फिर जी के क्या करेगा ये? अरे नहीं, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो सरदार? क्या हो गया तुम्हें? संभाल नहीं पा रहा हूँ। भागल हो गए हो क्या?